bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum I am tamoor pardasi tamooracademy.com ki nam se earn money with apps ke lesson number 3 ke sath hazir hu inshaallah aaj main is video mein aap logon ko apps jo hai wo create karke dikhaunga without coding maine pehle aap logon ko bataya tha ki ye course jo main banaunga isme apps hum create karenge without coding agar aap log apna interest show karenge to main inshaallah coding ke sath bhi jo 4-5 apps aapko create karke dikha dunga usse pehle agar aap logon ne mera channel abhi tak subscribe nahi kiya to pehle subscribe ke button pe click karke subscribe kar le aur sath wale bell ke icon pe lazmi click kare ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो आप लोगों ने गूगल को ओपन कर लेना है और गूगल में जाके आप लोगों ने appsguesser.com टाइप करना है यहां पे मैं गूगल टाइप करता हूं आप लोगों को एक मरतबा दिखा देता हूं ताकि आप लोग जो है वो कंफ्यूज ना हो जाए और यहां पे आके आप लोगों ने appsguesser appsguesser आगे gesyr लगाएंगे तो ये वाली पहली वेबसाइट आएगी यहां पे आपने आके इसको ओपन कर लेना ये मोबाइल में ओपन कर लें कंप्यूटर में ओपन कर लें टैबलेट में कर लें लैपटॉप में कर लें आपकी मर्जी यहां पे ऑलरेडी मैंने ओपन की यहां पे लिखा हुआ अर्न मनी फ्रॉम ऐप मेकिंग ठीक है मोनेटाइज योर एप्स बिल्ड ये सारा कुछ देखते हैं $200 पर डे बिल्कुल ये ठीक कहते हैं कोई झूठ नहीं है सब कुछ सच है लेकिन हमारे लोगों को शायद झूठ लगता है काफी कमेंट्स आए थे कि ऐप के जरिए अर्निंग होती नहीं है सब झूठ है लेकिन शायद वो अंगूर खट्टे वाली मिसाल उन लोगों पे चलती है तो यहां पे ऊपर देखेंगे आप मेरे पास अभी लॉगिन है यहां पे आप लोगों ने क्रिएट अकाउंट कर लेना है सबसे पहले तो आपने साइन अप पे क्लिक करना है और वहां से आप लोगों ने अपना अकाउंट बना लेना है उसके बाद यहां पे सबसे पहले आप लोगों के पास यहां पे ऑप्शन आ रहा होगा अगर आप लोगों ने लॉगिन नहीं भी किया होगा तो क्रिएट न्यू फ्री ऐप यहां पे क्रिएट नाउ फॉर फ्री यहां पे क्लिक करेंगे तो यहां पे ये सर्च फॉर टेम्पलेट यहां पे ये पॉपुलर दिखाएगा कि सबसे ज्यादा इनका मैसेंजर चल रहा है वेबसाइट की फिर चल रही है ब्राउजर फिर चल रहा है फिर क्रिप्टो करेंसी आजकल जो आई है फेक कॉल और उसके बाद बुक रीडर और ये गेम फाइंड द पेयर आप लोगों ने देखा होगा एक जैसी तस्वीरें मिलाएं एक जैसी शक्लें तो आप लोग यहां पे बना के इजीली किस तरह पैसे कमा सकते हैं उसके बाद यहां पे म्यूजिक स्टोर मोबाइल टीवी रेडियो प्लेयर ब्लॉग रेडियो प्लेयर का तो कोई फायदा नहीं है आप लोग इस तरह की ऐप ना करिए मोबाइल टीवी का मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह आप और ये फिजेट स्पिनर इसका कोई यहां पे मैं ऑल पे क्लिक करता हूं पहले आप लोगों को ऑल दिखा दूं ये सिर्फ एक ही वीडियो में बनाऊंगा मैं हर ऐप की अलग-अलग नहीं बनाऊंगा बाकी आप लोगों ने खुद अप करना है मेरा काम था आप लोगों को रास्ता दिखाना यहां पे अगर सबसे ज्यादा आप लोग अर्निंग करना चाहते हैं एक मैसेंजर क्रिएट कर लें उसके बाद यहां पे मैं आप लोगों को और ऐप बताता उसके बाद ये वाली गेम क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद यहां पे ये क्विज सवालों के जवाब और उसके बाद ये YouTube की तो मैं अभी क्रिएट करके दिखाऊंगा और ये वीडियो फॉर किड्स ये बहुत अच्छी है कि बच्चों के लिए वीडियोस आप YouTube से लेके उनके URL डालते जाएं स्पेशल बच्चों के उर्दू में बनाना चाहते हैं तो उर्दू में बना रहे इंग्लिश में बनाना चाहते हैं तो इंग्लिश अभी हम देखते हैं किस तरह उसके बाद यहां पे एक और बता दूं यहां पे नीचे आए तो हमारे पास लाइव टीवी होगी वेब ऐप बना सकते हैं और म्यूजिक की नहीं चलेगी वॉलपेपर आजकल मुश्किल ही है वॉलपेपर भी नहीं चलती तो यहां पे एक टीवी की होगी वो सिर्फ बना सकते हैं कि लाइव टीवी या लाइव ड्रामा वगैरह आप देखना चाहते हैं यहां पे काफी ऐप्स हैं 81-82 ऐप्स हैं यहां पे कोई भी बना सकते हैं तो यहां से मैं YouTube की आप लोगों को बना के दिखाता हूं अभी यहां पे YouTube पे आप लोगों ने जो ऐप आप लोगों ने बनानी है उस पे क्लिक कर देना है और 1 मिनट के बाद आप लोगों के सामने न्यू पेज ओपन हो जाएगा यहां पे लिखा हुआ है कि आप लोग एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हैं क्रिएट ऐप फॉर योर चैनल ये वो सारा कुछ पढ़ लें कि सब्सक्राइबर आपके इंक्रीज होंगे उसके बाद यहां पे आप लोगों ने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है यहां पे ये कह रहा है सेलेक्ट YouTube चैनल का URL देना चाहते हैं या YouTube प्लेलिस्ट URL यहां पे एक आप लोगों को बात क्लिक कर दूं कि आप लोगों ने वो मैंने पिछले ट्यूटोरियल में आप लोगों को एक ऐप बताई थी फोटोशॉप उर्दू में सीखे तो वहां पे प्लेलिस्ट का URL दिया गया था सबकी वीडियोस प्लेलिस्ट में लाइक गई थी यहां पे मैं चैनल का URL देता हूं और यहां पे मैं करता हूं ये आप कॉपी कर लें और मैं आपने अपने जो चैनल है जो भी है आपका कॉपी कर लेना कोई भी चीज मैं सिर्फ आप लोगों को मिसाल दे रहा हूं यहां पे तैमूर परदेसी ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूं यूजर नेम तैमूर परदेसी उसके बाद यहां पे ये कह रहा है स्प्लिट चैनल या इनटू प्लेलिस्ट ठीक है वो करना चाहते हैं आप यस के प्लेलिस्ट में हो या इनटू प्लेलिस्ट यहां पे नो कर सकते हैं आपकी मर्जी मैं यस कर देता हूं और उसके बाद यहां पे फिलहाल मैं नो ही कर देता हूं यहां पे अपीयरेंस सेटिंग अगर आप लोग करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करें यहां पे ये देखें प्राइमरी कलर कौन सा रखना चाहते हैं डार्क कलर यहां पे और उसके बाद एक्सेंट मैं यहां से ब्लू ही मुझे पसंद है तो ये बाय डिफॉल्ट इन्होंने ब्लू रखा हुआ है वेबसाइट वाले भी अच्छे हैं काफी
कि मेरे कलर को ये समझते हो। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा वाइट कलर, उसके बाद यहाँ से आप लोगों ने नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ पे आप लोगों से ये पूछेगा ऐप नेम, यहाँ पे मैं कर देता हूँ परदेसी ट्यूटोरियल, ठीक है, यहाँ पे ये कर, या तैमूर परदेसी ट्यूटोरियल कुछ भी करना चाहता हूँ मैं आप लोगों के सामने ये मिसाल बना रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कि ऐप की डिस्क्रिप्शन क्या है, कि आप किस चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करना चाहते हैं, यहाँ पर मैं करता हूँ लर्न फ्री एवरीथिंग, या कुछ भी कर सकते हैं आप, कुछ भी कर। और उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट कर देनी। यहाँ पे अब ये कह रहे हैं कि आप लोग आइकन सेलेक्ट करें। आप लोगों ने देखा होगा कोई भी आप लोग ऐप डाउनलोड इंस्टॉल करते हैं तो उसका एक आइकन होता है, यहाँ पे कस्टम आइकन पे मैं क्लिक करता हूँ, या इसी को आप लोग डिफ़ॉल्ट आइकन को यूज़ करना चाहते हैं ओपन इन एडिटर में करके आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन मैं कस्टम पर क्लिक करता हूँ। और 512x512 का आप लोगों ने आइकन क्रिएट कर लेना है। मैं अपलोड पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर हमारे पास न्यू पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप लोगों ने PNG या JPEG जो है इमेज सेलेक्ट करनी है। मैं यहाँ से ब्राउज़ पर क्लिक करता हूं और यहां पे मैंने एक इमेज रखी हुई थी, ये तो मैंने अपनी तस्वीर ये बनाकर, और उसके बाद ये देखें बिल्कुल फिट आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने सबमिट पे क्लिक कर देना है और यहां पे ठीक है ये लग गया लोगो। उसके बाद नेक्स्ट, अब यहां पे क्रिएट पे सिर्फ आप लोगों ने क्लिक कर देना है तो आप लोगों की ऐप जो है वो 2 मिनट के अंदर तैयार हो गई है। कितना आसान है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं लेकिन इसको फ़िलहाल हम करते हैं, मैं यहाँ से क्लोज़ कर दूंगा। अब यहाँ पे क्लिक हेयर टू सी द प्रीव्यू, देखते हैं कि कैसी हमारी ऐप आ रही है। यहाँ पे शो हो जाएगी, थोड़ी देर लेगी। यहाँ पे ये देखिए, अब मेरी वीडियोस आ गई हैं, परदेसी ट्यूटोरियल, ऑल वाइट फेवरेट, हाउ टू क्लीन फेस इन फोटोशॉप, ये देखें आप लोग खुद देखें, ये ख़राब USB मेमोरी कार्ड, सारी मेरी ही हैं, किसी की नहीं है। तो इस तरह आप बना के अपने सब्सक्राइबर के साथ शेयर कर सकते हैं कि हमारी ऐप आ गई ये वो। अब हम इसको मज़ीद एडिट करना चाहते हैं, आप लोग कोई भी ऐप क्रिएट करेंगे लाजमी नहीं। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने एडिट पर आ जाना है। अब इसको मज़ीद एडिट करेंगे हम, एडिट में बेसिक पे हम पहले ही करके आ चुके हैं, यूट्यूब चैनल URL यहाँ पे आके आप लोग चेंजिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद ऐप नेम, ऐप वर्जन, ये देखें 1.1 है, इसको अपडेट करना चाहते हैं 3.0 कर लें, कुछ भी करना चाहते हैं। अगर आपने फोटोशॉप वाली ऐप का देखा होगा वर्जन 1.1 था, यहाँ पे ऐप थीम, यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये देखें आपके पास थीम है और यहाँ से आप लोग कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ग्रीन, पर्पल, कोई भी, ग्रे, येलो, जो कलर आप लोगों को पसंद है वो आप लोग सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ से मैं सेव कर देता हूँ क्योंकि मुझे ब्लू पसंद है, यहाँ से सेव करेंगे। और उसके बाद अब हम इसकी एडवांस एडिटिंग, उसके बाद टैब्स, आपके पास टैब्स कौन से शो होने चाहिए। ऐप्स में आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के पास मुख्तलिफ टैब शो हो रहे थे, यहाँ पे ये कह रहा है कि अभी तक हमने कोई फ़िलहाल ऐड नहीं किया। यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं, प्रीव्यू क्लिक हेयर टू प्रीव्यू देखते हैं। उसके बाद हम ऐड टू टैब करेंगे, अभी आप लोगों को लाइव दिखाता जाता हूँ ताकि आपको पता चले। ऐड टू टैब, ऐड टैब करेंगे और यहाँ से आप लोग ये देखिए होम पेज, वेबसाइट, ब्लॉग पेज, क्या करना चाहते हैं, किस चीज़ का वो कह रहा है कि आप लोग टैब। मैं फ़र्ज़ करें कि होम पेज यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, आप वेबसाइट का भी दे सकते हैं, यहाँ पे आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कर सकता हूँ न्यू वीडियोज़, ये कर देता हूँ, और ऐड जो है आपने इमेज कर देनी है, अटैच कर देनी है, आप लोगों का टैब होगा। आप लोग यहाँ पे बैकग्राउंड की भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं, कोई भी आप लोग सिलेक्ट करें और उसको ऐड कर दें। मैं यहाँ से ये वाली सिलेक्ट कर देता हूँ, ये वर्डप्रेस ट्यूटोरियल की, सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। अभी हम देखते हैं कि क्या हमारी ऐड हो गई है या नहीं। यहाँ पर ये देखें और ये देखें, ठीक है। और यहाँ से अब मैं इसको देखता हूँ, सॉरी, यहाँ से प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, स्पोर्ट पे क्लिक हो गया था, ये देखें परदेसी ट्यूटोरियल, ये न्यू वीडियोस, ठीक है, ये टैब बन गया और ये हमारी बैकग्राउंड इमेज लगी हुई आ गई है। तो आप लोग इस तरह भी बना सकते हैं, लेकिन ये अच्छी नहीं लग रही है। आप लोग अगर प्रोफेशनल क्रिएट करनी है तो फिर इसको डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ पर डिलीट, ओके, जिस तरह पहले थी बाय डिफ़ॉल्ट आप लोग उस तरह भी कर सकते हैं। इसी तरह दूसरे टैब को भी आप लोगों ने डिलीट कर देना। मेरा मकसद है आप लोगों को समझाना, आप लोग अच्छी से अच्छी खुद क्रिएट करेंगे। एडवांस में आ जाते हैं हम, और यहाँ पे अब ये स्क्रीनशॉट पे कह रहा है कि आप इमेजेस ऐड करें, यहाँ पे जितने स्क्रीनशॉट आप लोगों ने दिखाना चाहते हैं, वो जो नीचे शो हो रहे थे आप लोगों ने देखा होगा, मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ कि वो जो नीचे शो हो रही थी, यहाँ पे अटैचमेंट, और यहाँ से मैं कोई कर लेता हूँ, थंबनेल लगा लेता हूँ, जिस तरह वो फोटोशॉप का नीचे वर्जन आ रहा था, ये वो फलां, ये वो आप सीखें, इमेजेस ब्यूटी के रिलेटेड क्रिएट करना चाहते हैं, कोई भी करना चाहते हैं, यहाँ से ये कर देंगे। ये देखिए ये इमेज शो होगी, इसी तरह ये आप जो डाउनलोड करेंगे वहाँ पर होगी। उसके बाद
बाद एप्स मेन्यू जो है वो स्लाइडर हो, एक्शन बार, एंड्रॉयड 3.2 ये इस तरह शो होगी। टैब्स पोजीशन की टॉप पे हो, लेफ्ट पे हो, यहाँ पे ये देखें टॉप पे ज़्यादातर आते हैं आप लोग। बाज़ जो है मुख्तलिफ ऐप्स देखे होंगे उनके लेफ़्ट साइड पे आ रहे होते हैं, बाज़ के राइट पे होते हैं। राइट का तो किसी का नहीं मैंने देखा, शायद अगर लैंग्वेज चेंज करें तो आ जाए। यहाँ पे ये है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग बॉटम कर सकते हैं, लेफ़्ट कर सकते हैं ये, और उसके बाद प्राइवेट नहीं सॉरी नो इसको कर येस कर सकते हैं अगर प्राइवेट करनी है। यहाँ पर ऐप कैप्शन परदेसी ट्यूटोरियल, यहाँ पर परमिशन कि आप लोग जब वो देखें इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो यहाँ पर वो लोकेशन का पूछ रहा होता है, वॉलपेपर पूछ रहा होता है, शॉर्टकट ये वो सारी यहाँ पे आप लोग इन्फॉर्मेशन सेट कर सकते हैं, नो करनी है येस करनी है वो यहाँ से आप लोग करेंगे। उसके बाद ऐड पोजीशन, फिलहाल हम ऐड नहीं लगा रहे, ओपन ऑल लिंक यहाँ पे इन डिफॉल्ट लिखेंगे, ओपन ऑल येस कर सकते हैं सारे लिंक को ब्राउज़र में हो, ओनली एक्सटर्नल लिंक्स जो है वो आप लोगों के ब्राउज़र में ओपन हो। यहाँ से उसके बाद रेट माई ऐप्स यहाँ पर येस करें कि आप लोग जो है वो प्ले स्टोर पर जाके रेट करें वीडियो, जो आप लोगों ने देखा हो ऐप्स को दिया होता है 4.3 या 4.6 या 3.25 इस तरह की ऐप्स को जो रेट दिया जाता है। उसके बाद लिंक टू भी यहाँ पे आप लोग यहाँ पे अपनी वेबसाइट का दे सकते हैं कि कोई क्लिक करे आपकी वेबसाइट पे जाए, आपके चैनल पे जाए, जो चीज़ आप लिंक करवाना चाह रहे हैं वो यहाँ पे आप लोग देंगे, ठीक है। उसके बाद शो लैंडिंग कि आपकी हो या स्क्रीन आपका हो या पेज लैंडिंग पेज होना चाहिए या नहीं, यहाँ पे नो मैं कर देता हूँ। उसके बाद एक्शन व्हेन ऑलवेज ओपन फाइल, ऑलवेज डाउनलोड फाइल, जो करना चाहते हैं शो डायलॉग यूज़र के, यूज़र डिसाइड करे आपकी मर्ज़ी से, ये ना हो डायरेक्ट डाउनलोड हो जाइए, डायरेक्ट ही ओपन फाइल हो जाए। उसके बाद शो लिस्ट है यहाँ पे येस करें, अपलोड स्प्लैश यहाँ पे इनेबल करें, या मैंने एक स्क्रीन शॉट किया हुआ है इनेबल कर देते हैं। यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन अगर आप लोग लगाना चाहते हैं किस कलर की, उस स्प्लैश स्क्रीन आप लोगों ने देखी होगी बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे मैं डिसेबल कर देता हूँ इसको ये। और उसके बाद सिलेक्ट यूज़र यहाँ पे लाइक आईफोन आईपैड कस्टम कोई भी हो, यहाँ पे एंड्रॉयड का है तो आप लोग ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड यूज़र ही है। उसके बाद सेट यूज़र एजेंट ये कर सकते हैं, कीप कुकीज़, ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने रीड कर लेनी है प्रॉपर तरीके से, और उसके बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। रिमाइंडर और ये सारी आप लोग चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो ये हमारी सिंपल सी ऐप क्रिएट हो गई है, हम इस पर क्लिक करते हैं और अभी हम लोग देखते हैं। अब हम बात आती है कि हम लोग इसको डाउनलोड किस तरह करेंगे। डाउनलोड आप लोग डायरेक्ट वेबसाइट से भी कर सकते हैं, मोबाइल के ज़रिए भी कर सकते हैं, या आप लोगों के पास ब्लू स्टैक जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए तो उसमें आप लोग शो कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं आऊँ इस पर क्लिक करता हूँ तो आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक हेयर टू सी दी प्रीव्यू करके क्लिक कर शो कर सकते हैं कि ऐप किस तरह की बनी है। डाउनलोड के लिए यहाँ पे ये लिखा है वो डाउनलोड योर ऐप, यहाँ पे स्कैन क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे तब डाउनलोड होगी। डाउनलोड पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये पहले कह रहे हैं कि ट्यूटोरियल देखें उसके बाद डाउनलोड करें, या तो आप लोग मोबाइल में ये देखें आपकी ये एपीके जो कर रही है आपकी ये देखें डाउनलोड यहाँ पे डायरेक्ट आपके पीसी में हो जाएगी यहाँ पे, और उसके बाद ये मोबाइल में कह रहा है ये देखें मेरे पास हो गई है पीसी में, मैं अभी इसको रन भी करके दिखा देता हूँ। मोबाइल में करनी है तो फिर आप लोगों को अननोन सोर्सेज को जो आपको पता है अलाउ करना पड़ेगा क्योंकि ये आपने पब्लिश नहीं की होगी अगर आप लोग डायरेक्ट करना चाहते हैं। अब आप लोगों को मैं यहाँ पर एक आइडिया देता हूँ, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ पर हम लोग जो है वो डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। अगर आप लोगों ने न्यू क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ पर क्रिएट ऐप पर क्लिक करता हूँ, मैं आप लोगों को यहाँ पर छोटा एक आइडिया दे रहा हूं, या तो आप लाइव टीवी चैनल की क्रिएट करें या आप लोग मैसेंजर की करें। मैं मैसेंजर पे क्लिक करता हूं, ये सिंपल उन लोगों के लिए है जो लोग जॉब करते हैं या जो लोग स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, किसी भी इदारे में हो। यहां पे आप लोगों को एक आइडिया देता हूं, आप लोगों ने उस इदारे के नाम से, उस स्कूल के नाम से, उस मदरसे के नाम से जहां पर पढ़ते हैं एक मैसेंजर क्रिएट कर लेना है। फर्ज करें मैं करता हूं किप्स कॉलेज का क्रिएट कर लेता हूं, तो तमाम स्टूडेंट को यहां पे आप लोग बार ये कलर सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। उसके बाद चैनल यूआरएल का भी देना चाहे तो वो देख सकते, ठीक है, दे सकते हैं। यहां पे आप लोगों को पढ़ लेना है, ठीक है।